देश भर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में शनिवार को ही ईद के चांद का दीदार हो गया था, जिसके बाद रविवार को यहां पर ईद का त्यौहार मनाया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और इसलिए इस बार मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं की गई है। एक तरफ जहाँ पर प्रशासन तो मुस्तैद है, तो वहीं मौलाना जो हैं, धर्मगुरु जो हैं, उनकी तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि वो इस बार घरों में ही नमाज अदा करें। साथ ही कोरोना से महफूज रहने की दुआ करने की अपील भी धर्मगुरुओं की तरफ से की गई है। इसके अलावा ईद पर गले ना मिलने और सोशल मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद देने के लिए कहा गया है। घर में परिवार के साथ ईद की खुशियां मनाने की गुजारिश धर्मगुरुओं की तरफ से की गई है। तो इस बार ईद वैसी नहीं है जैसी सालों से आप मनाते आए हैं, लेकिन लॉकडाउन वाले इस ईद में आप घरों पर रहकर अपनों के साथ इस ईद के त्यौहार को मनाइए। बंसल न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि घर पर ही रहकर इस त्यौहार को आप धूमधाम से मनाएं, पकवानों का लुफ्त उठाइए, अपनों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने वाले शहर राजधानी भोपाल में ईद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त हम मोती मस्जिद इलाके में मौजूद हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ऊपर से, ये तर्जुमा मस्जिद है, इसी के पास में केले वाली मस्जिद है, उसके पास में मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद इलाका इसको बोला जाता है। आप देख सकते हैं तमाम जो मस्जिद हैं उसमें उनमें सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में तमाम जो मस्जिद हैं वो बंद हैं। मस्जिद के जो सदस्य हैं सिर्फ उन्होंने ही सुबह जो नमाज है वो अदा करी थी, बाकी तमाम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए शहर काजी की नियमों शहर काजी के जो अपील थी उनका पालन करते हुए घर में ही नमाज अदा की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तमाम लोग जो है अपने घर में ही ईद का त्यौहार मना रहे हैं, सिमइयों की मिठास के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं। जो मस्जिद हैं उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर इलाके में पूरी तरीके से जो लॉकडाउन है उसका पालन किया जा रहा है। रोड सूनी है, कुछ ही लोग हैं जो आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी तमाम जो लोग हैं घर में ही अपना ईद का त्यौहार मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना ने जो ईद को थोड़ा फीका जरूर किया है, लेकिन फिर भी लोग तैयार हैं। जिस तरीके का कोरोना वायरस फैला हुआ है उससे उसमें रहकर घर में ही ईद मना रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइए, पहली बार है कि घर में ईद मनाई जा रही है, नमाज अदा आपने घर में की है, किस तरीके से देखते हैं इस बार की ईद को? अब ये है कि इस पर अपना पूरा ये कोरोना जो है पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उसको देखते हुए अपने त्यौहार को सादे सिंपल तौर पे मनाया जाता है। हमारे बड़ों ने किया है कि अपने अपने घरों के अंदर अपन जुमे की ईद की दोनों नमाजें अपने घरों में पढ़ें, है ना। ऐसे ये त्यौहार जो है ये खुशियों का त्यौहार है, इसके अंदर भी एक दूसरे के नाम से डिस्टेंस करते हुए और सरकार का पालन करते हुए अपन को त्यौहार मनाना है इसका। और के नाम से जैसे घरों के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा बाहर जाना नहीं देना अपन को, मिठाइयों की दुकानों में ज़्यादा अपन को भीड़ नहीं लगाना, सादी तौर पे अपन को इस त्यौहार को मनाना है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं छत पर भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं अपने परिवार वालों के साथ, घर में ही ईद मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं तमाम बच्चे और अपने परिवारजनों के साथ ईद मना रहे हैं। ईदी भी उनको मिली है इस ईद के त्यौहार पर, तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईद उन्होंने मनाई है और भी लोग हैं, आपने आज ईद का त्यौहार है, आपने ईद मना रहे हैं, आपने क्या इसमें इबादत में मांगा है? इबादत में यही आका है पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से मुक्त हो, दुआ भी यही करिए कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उनको कोरोना से दूर करे, वो सबको खैरियत से बीमारी से दूर रखे। यही दर्शाता है इस राजधानी भोपाल की गंगा जमुना तहजीब, जहां एक ही इलाके में आपको मस्जिद मिलेंगी, गुरुद्वारे मिलेंगे और मंदिर मिलेंगे, और यहां के लोग भी मिलजुल कर सभी जो त्यौहार हैं साथ मिलकर मनाते हैं। यही तहजीब है कि भोपाल वासियों को मिलकर साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।